नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। न्यूज स्पेशल में हम बात करते हैं उन खबरों की जो खबरों की खबर से हटकर होती है और ये हमारे समाज को एक अलग दिशा दिखाती हैं, हमारे समाज का एक अलग आईना हमें दिखाती है। तो आज ऐसी एक खबर को लेकर आपके सामने हाजिर है हमारे खास कार्यक्रम न्यूज स्पेशल में। कॉमिक हमेशा से ही बच्चों की पसंदीदा रही है, यही वजह है कि कॉमिक के किरदार बच्चों को खूब याद रहते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बच्चों के इसी रुझान को देखते हुए अब राज्य की महान विभूतियों की जीवनी को कॉमिक्स के अंदर के अंदाज में छपाने का फैसला किया है। पाठ्य पुस्तक निगम ने प्रदेश के 40 महापुरुषों की जीवनी को कॉमिक्स के रूप में तैयार किया है, जो स्कूली बच्चों के सिलेबस में शामिल की जाएगी। ये कॉमिक्स सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी के अलावा रायपुर की सेंट्रल लाइब्रेरी और दूसरे जिलों में के वाचनालयों में भी भेजी जाने की योजना है, ताकि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ने वाले बच्चे भी प्रदेश की विभूतियों के बारे में जान सके। बच्चे कॉमिक्स पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, ऐसे में ये प्रयोग बच्चों के ज्ञानवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो 40 महत्वपूर्ण विभूतियां हैं, इनका चयन अभी पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा किया गया है और उन विभूतियों के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में या अन्य चित्रकला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में जो जो बड़ा महत्वपूर्ण लोग हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं कॉमिक बेस्ड में तैयार कर ली गई हैं और प्रदेश के सभी पुस्तकालयों में, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के पुस्तकालयों में उसे प्रेषित कर दिया गया है। तो अब छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा एक नया प्रयोग यहां पर किया जाएगा। कॉमिक्स आपने बचपन में सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, बहुत सारी ऐसी कॉमिक्स थी जो आज भी हमारे जहन में हैं और उनके किरदार हमें बखूबी याद है, चाहे चाचा चौधरी की बात कर लें, चंपक की बात कर लें या फिर नागराज ध्रुव की बात कर लें। वो तमाम ऐसी कॉमिक्स थी जिनके किरदार आज भी बच्चों के जहन में होते हैं, आज भी आपके हमारे जहन में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी बचपन में उन कॉमिक्स को पढ़ा है और उन किरदारों की छवि हमारे जहन में कदर बैठी हुई है कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं। इसी तरह का एक प्रयोग छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर 40 महापुरुषों की जो जीवनी है उसे कॉमिक के रूप में परिवर्तित करके बच्चों को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो आज यही विशेष है और इसी पर हमारे साथ जुड़े हमारे विशेष संवाददाता अंबेश नामदेव। अंबेश, कॉमिक्स के रूप में 40 महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन अब बच्चे करेंगे, जिसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। ऐसी योजना, एक ऐसा प्लान जिसे कहीं ना कहीं बच्चों के जहन में ये बात बड़े अच्छे से बैठेगी कि आखिर इन 40 महापुरुषों की जीवनी क्या थी और उनकी जीवनी के जो पहलू रहे उन्हें वो आत्मसात आसानी से कर पाएंगे। बिल्कुल स्मिता, सही कहा आपने, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी शिक्षा मिशन की सराहनीय पहली मानी जाएगी। पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से प्रदेश के ऐसे 40 महापुरुष होंगे जिनकी जीवनी, जिनकी कहना चाहिए जीवंत गाथाएं कॉमिक्स के माध्यम से बच्चों तक पहुंचेंगी। यानी ये कहा जाए कि बच्चों के बीच में प्रदेश के महापुरुषों की छवि को अंकित किया जाएगा, किस प्रकार से महापुरुषों ने राज्य निर्माण से लेकर के आजादी से लेकर के स्वतंत्रता संग्राम तक कहना चाहिए किस प्रकार से अपना योगदान दिया है, ये कहानियां बच्चों के मन मस्तिष्क पर बैठाने जाएंगी। इसमें क्या राजीव गांधी शिक्षा मिशन या पाठ्य पुस्तक निगम की बात की जाए तो 40 महापुरुष होंगे, जैसे गुंडाधुर की बात की जाए या अन्य तमाम प्रदेश के महापुरुष हुए हैं उनकी बात की जाए, शहीद वीर नारायण सिंह की बात की जाए, तो ये इन लोगों की जीवन गाथाएं कहना चाहिए कॉमिक्स के माध्यम से कही जाए। आपने बात भी किया कि कॉमिक्स के माध्यम से चाचा चौधरी हो या चंपक हो, इनके माध्यम से अपन लोगों ने पढ़ा है, तो ये बहुत अच्छे पहल ही कहा जाएगा राजीव गांधी शिक्षा मिशन की। बाकी अंबेश, एक नई क्रिएटिविटी, एक नई योजना, एक नया प्लान यहाँ पर तैयार किया गया है सिलेबस में कॉमिक्स, और बड़ा दिलचस्प ये लग भी रहा है। अगर इसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इसे जब सिलेबस में शामिल किया जाएगा तो पढ़ाई के स्तर में कहीं ना कहीं सुधार तो जरूर देखने को मिलेंगे।
बिल्कुल सही कहा आपने, क्या कि जो बच्चे आजकल के बच्चे ये कहना चाहिए रटन तू तोता के नाम से होते हैं, पर कॉमिक्स ऐसा विषय होता है जो मन पर सीधा असर पड़ता है, यानी याद करने की या रटने की जो परंपरा जो चली आ रही थी वो परंपरा पे विराम लगेगा। चंपक के माध्यम से या अन्य जो कॉमिक्स रहे हैं उसके माध्यम से लोगों को कहानियां रटना नहीं पड़ती थी, ये कहानियां न रटने की वजह से ही लोग कहना चाहिए इस प्रकार की पहल कर पड़ते थे। एजुकेशन के क्षेत्र की बात की जाए, आने वाली पीढ़ी की बात की जाए या शिक्षा छात्रों की बात की जाए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत सागर कारगर कदम है। इसके साथ ही सुनाई मैं बता दूंगा आपको कि पाठ पुस्तक निगम की बात करें, राजीव गांधी शिक्षा मिशन की बात करें, प्रदेश की लाइब्रेरियों में इसको रखने की पहल भी की जा रही है। प्रदेश की जो लाइब्रेरी है जो निजी स्कूल के बच्चे हैं वहां तक नहीं वहां तक पहुंच सके और कॉमर्स के प्रति या महापुरुषों की कहानियों के प्रति रुझान अपना पैदा कर सके, एक दिशा में लाइब्रेरी में भी पुस्तकें मिलेंगी, ये भी पहल का प्रयास किया जा रहा है। बाकी गांव गांव तक हम महापुरुषों की जीवनी को बता सके, बच्चे इस बात को समझ सके कि जो महापुरुष रहे हैं उनका जीवन कैसा रहा है, उन जीवनियों को हम पहले पढ़ते थे लेकिन शायद हमारे जहन में उतने अच्छे से नहीं बैठती थी। कॉमिक के माध्यम से जिस तरह से अपनी पैठ बनाएंगी, ये अपनी छवि छोड़ेंगी, लंबे वक्त तक बच्चों को याद रहेगी आखिर ऐसे महापुरुषों की जीवनी। बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों के बीच में जो लंबे वक्त तक ये चीजें कहानियां बिल्कुल उनके मन मस्तिष्क पर बैठेंगी, यही एक कहना चाहिए पाठ पुस्तक निगम की सोच भी है कि प्रदेश के महापुरुष हैं, देश के महापुरुष हैं, खास करके जो 40 प्रदेश के महापुरुष हैं उनकी छवि पाठ पुस्तक के माध्यम से दी जाए। बात सरकारी स्कूलों की जाए तो सरकारी स्कूलों में तो किताबों में उपलब्ध ही रहेंगी, पर उन पुस्तकों को जिनकी छपाई लगभग पूरी हो चुकी है वो पुस्तक प्रदेश की लाइब्रेरियों में भी रहेंगी, जहाँ पर निजी स्कूल के बच्चे हैं या प्राइवेट सेक्टर के बच्चे हैं उन किताबों को पा सकेंगे और उनको पढ़ाई कर सकेंगे, अध्ययन कर सकेंगे, महापुरुषों की कहानियों को अपने मन मस्तिष्क पर बिठा सकेंगे। ये पहल सराहनीय पहल कही जाएगी। सही अमित, इन 40 महापुरुषों में कौन कौन से ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जीवनी को इसमें अभी तक कॉमिक रूप में बना लिया गया है, क्योंकि अब ये जो कॉमिक्स हैं, ये जो महापुरुषों की जीवनी रहेगी ये सेंट्रल लाइब्रेरी में रहेगी, साथ ही दूसरे जिलों के वाचनालयों में भी इसे भेजा जाएगा ताकि वहाँ पर बच्चे इसे आसानी से पढ़ सके, प्राइवेट स्कूल में भी इसको भेजने की तैयारी उसमें भी शामिल करने की योजना यहाँ पर है। ये बता दूं आपको, अभी हाल प्राइवेट स्कूल का सरकारी स्कूलों के लिए पाठ पुस्तक निगम ने पुस्तकों को छपाई पूरी कर दी है, लगभग लगभग छपाई 100% पूरी ही कही सकती है, क्योंकि महाप्रबंधक का कहना है कि छपाई का कार्य पूरा हो चुका है, तो ये छपाई का कार्य पूरा हो चुका है। और सेंट्रल लाइब्रेरी की बात की आपने, तो लाइब्रेरी में रखने का यही मतलब है कि निजी शैक्षिक संस्थाएं हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, निजी सेक्टर है, वहाँ के बच्चे हैं उन लाइब्रेरी में जाकर के उन पुस्तकों का अध्ययन कर सकें। जहाँ तक आपने बात की है प्रदेश के कौन कौन से महापुरुष होंगे, तो महापुरुषों की बात बता दें हम आपको, जैसे गुंडा दूर है, शहीद वीर नारायण सिंह है, ऐसे जो तमाम महापुरुष है प्रदेश के हुए हैं। बात है अगर उनकी जाए मिनी माता की जाए तो मिनी माता भी का नाम आता है, तो ऐसे तमाम महापुरुष है जिनकी जीवन परिचय उसमें कहना चाहिए पाठ पुस्तक निगम के माध्यम से कॉमिक्स में सचित्र वर्णन किया जाएगा। ये प्रदेश के छात्रों के लिए कहना चाहिए पाठ पुस्तक के माध्यम से एक ऐसी पहल है कि जिसके लिए अगर शिक्षक भी मेहनत करता तो मेहनत तो उतने कारगर कदम नहीं निकल के आए, तो रिजल्ट परिणाम निकल के नहीं आ रहा था जो कॉमर्स के माध्यम से निकल के आएगा। अमित, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है इस मामले पर, कितनी सफल हो सकती है योजना, और अगर ये सफल होती है तो आगे इसको किस तरह से बढ़ाया जाएगा, इसकी जो क्वांटिटी है बुक्स की उसे और कितना फैलाया जाएगा अगर ये सफल होती है तो? देखिए पहला प्रयास है इनका, पाठ पुस्तक निगम के अधिकारियों से जब न्यूज वर्ल्ड की टीम ने मुलाकात की तो उनको पूरा भरोसा भी है, विश्वास भी उन्होंने जताया है इस योजना में सफल होंगे, बच्चे भी रुझान लेंगे, क्योंकि दरअसल बच्चों के रुझान पर इसलिए विश्वास किया जा सकता है कि बच्चे कॉमर्स की तरफ ज्यादा लगाव रहा है। पहले के समय की बात करें तो पहले भी कॉमर्स के समय में रुझान रहा है, और जो अभी कार्टून के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से जो बच्चों में रुझान है वो कॉमर्स में रुझान नजर आता है, तो कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तक निगम को भी कहा जाए या राजीव गांधी शिक्षा मिशन को भी कहा जाए, इस विषय में इस पहल को लेकर काफी उम्मीद भी है, लगता भी उनको इसमें सफलता उनको मिलेगी और आगे भी ये प्रयास उनका जारी रहेगा। बिल्कुल अमित, हमने ये भी देखा है कि आज शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल एजुकेशन की हम बात करते हैं, यहाँ पर बच्चों को उस माध्यम से पढ़ाया भी जाता है, कई स्कूलों में आज डिजिटल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा, उसी के साथ में कॉमिक्स का एक और रूप हम देखेंगे, बेहतर से बेहतर शिक्षा बच्चों को कैसे दी जाए इसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
बिल्कुल इसमें सही कहा आपने कि डिजिटल पढ़ाई के माध्यम से बात की जाए, आधुनिक पढ़ाई की बात की जाए, इसमें लगातार प्रयोग भी किए जा रहे हैं और प्रयोग काफी कारगर भी नजर आ रहे हैं। पर जहां तक आधुनिक की बात की जाए कि पुरानी सभ्यता की और पुरानी संस्कृति को जाते हैं, जैसे कॉमर्स की बात आई है, तो इसमें रुझान पहली भी पीढ़ी का रहा है और अभी भी वर्तमान पीढ़ी का रुझान नजर आता है। दरअसल डिजिटल की जो बात आपने की, तो सिने युग की बात कर ले या टीवी युग की बात कर ले, इसमें कहीं ना कहीं बच्चे कार्टून को पसंद करते हैं तो वहीं कॉमर्स को पसंद करेंगे। तो ये कहना चाहिए कि निगम का पाठ्य पुस्तक, निगम का बात करें या राजीव गांधी शिक्षा मिशन की करें या शिक्षा क्षेत्र की बात करें, शिक्षा युग की बात करें, तो ये पहले मन मस्तिष्क पर बैठाने के लिए काफी कारगर होगी। बच्चों के जो कहना चाहिए दिमागी प्रक्रिया होती है ये काफी कोमल होती है, तो कोमल के ताकि हिसाब से इनके दिमाग पर सचित्र का वर्णन किया जाएगा। वीर शहीदों के महापुरुषों के चित्र जब उनको दिए जाएंगे, वो चित्र देखेंगे और उनके योगदान को जब पढ़ेंगे, तो दोनों चीजें एक साथ उनके मन मस्तिष्क में आई, कैसे हमारे महापुरुष थे, क्या उन्होंने देश के लिए योगदान दिया, क्या प्रदेश के लिए योगदान दिया, क्या त्याग तपस्या बलिदान की उनकी मूर्ति क्यों छवि हुई, अंकित हुई है, क्यों उनको पुरस्कार किया जाता है, उनके नाम से कब पुरस्कार दिए, ये तमाम ऐसे विषय है जो जानना चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए कारगर भी साबित होंगे और उनके मन मस्तिष्क पर भी बैठेंगे। अमित, अभी तक अगर बात की जाए तो कितनी बुक्स जो है कॉमिक्स वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है, और साथ ही एक और बात, लगातार प्रयास अच्छे किए जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन प्रयासों में कमी भी हम देखते हैं, इस बात को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं या फिर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बेहतर से बेहतर शिक्षा के स्तर को बनाने की कोशिश की जाती है लेकिन कहीं ना कहीं चूक और कमी जरूर आ जाती है। देखिए मैं बता दूं आपको स्मिता जी, जहां तक कमी की बात आपने की है, तो प्रशासनिक अधिकारी जिस प्रकार से हवाला देते हैं, प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही कही जाएगी, विभागों की लापरवाही कही जाएगी, यही वजह है कि कोई भी योजना सरकार में धरातल पे आने से पहले ही निपट जाती है। दरअसल में कहीं ना कहीं कमी प्रशासनिक अधिकारियों की मानी जाती है, विभागीय अधिकारियों की, कर्मचारियों की, उस अमले की मानी जाती है कि जो उस कदम को उसने सटीकता से नहीं उठा पाते हैं, और यही वजह है कि जो योजनाएं हैं वो धरातल पर आने से पहले ही टूट जाती हैं। हालांकि इस योजना को लेकर के जहां तक पाठ्य पुस्तक निगम की बात करें या शिक्षा विभाग की बात करें तो उनको पूरा भरोसा है। दरअसल क्या है कि जो विभाग के लोग इसमें जिस प्रकार से कदम बढ़ाएंगे, उस कदम के साथ ही जो आने वाली पीढ़ी है उनका इंटरेस्ट, उनका रुझान भी देखा जाएगा, और जब रुझान उनका अधिक रहेगा और डिमांड अधिक रहेगी तो विभागीय कर्मचारियों को वो चीज करना पड़ेगी। अब इस समय राज्य सरकार क्या कदम उठाती है, राज्य सरकार की क्या सोच रहेगी, ये भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नजर आएगी। अमित, क्या इस तरह के विजन को लेकर किसी तरह का कोई सर्वे यहाँ पर करवाया गया था? देखिए सर्वे की जहाँ तक आपसे बात किया, तो पाठ्य पुस्तक निगम हो या राजीव गांधी शिक्षा मिशन हो, आने वाली सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकार हो, तो इनका जरूर ये प्रयास रहा है कि किस दिशा में इस प्रकार की पहल की जाए कि बच्चों को देश के महापुरुषों से, प्रदेश के महापुरुषों से वाकिफ कराया जाए। इस दिशा में जरूर कह रहती है मूल्यांकन किया गया है, और मूल्यांकन के आधार पर ये सरकारी योजनाएं बनाती हैं, पूरी योजनाओं को अमली जवाब पहनाने की कवायद भी की जाती है। अमित, कब से इसे पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाएगा, सिलेबस में कब से इन कॉमिक्स को शामिल किया जाएगा, इस बारे में कुछ जानकारी मिल सकी है? क्योंकि शैक्षणिक सत्र की अगर बात की जाए 2019-20 की, तो वो शुरू हो चुका है और अब डेढ़ महीना हो चुका है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि पुस्तकों की छपाई का कार्य पाठ्य पुस्तक निगम के अधिकारियों से न्यूज वर्ल्ड की टीम ने मुलाकात की, बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा छपाई की प्रक्रिया पूरी हो गई है, बहुत शीघ्र ही इनको लाइब्रेरी में और कहना चाहिए पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से जो उतारा जाएगा, सिलेबस में उतारा जाएगा, तो ये आने वाले सत्र में निश्चित ही पाठ्य पुस्तक निगम जैसा प्रयास करेगा, ये पाठ्य पुस्तक निगम के अधिकारियों का कहना भी है। यानी कि 2020-21 में ये कॉमिक्स जो रहेंगी, महापुरुषों की जीवनी जो कॉमिक रूप में रहेंगी, वो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में तब तक मुहैया हो जाएंगे, लेकिन अगर ये वहाँ पर सक्सेस होती है या पर वहाँ कामयाबी मिलती है, इसके बेहतर परिणाम आएंगे, तो उसके बाद इन्हें सेंट्रल लाइब्रेरी और अन्य जिलों के वाचनालयों में रखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, महाप्रबंधक का यही कहना है कि यदि लोगों के, बच्चों की, छात्रों के रुझान अच्छे आते हैं, उनको पसंद किया जाता है, तो निश्चित ही लाइब्रेरी में रखा जाएगा, और लाइब्रेरी में रखने के लिए ही पाठ्य पुस्तक निगम का कहना है कि अधिकारियों का कहना है कि कोई प्रस्ताव आता है उनकी तरफ से, उस प्रस्ताव को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, और इस दिशा में पाठ्य पुस्तक निगम का ही प्रयास रहेगा, यानी अधिकारियों का ही प्रयास रहेगा और निगम का ही प्रयास रहेगा, दोनों के संयुक्त प्रयास से प्रदेश की लाइब्रेरियों में भी ये पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकें रखी जाएंगी, ऐसा कहना है महाप्रबंधक का। शिक्षा के स्तर को छत्तीसगढ़ में और बेहतर बनाने के लिए इसी तरह के कुछ और इनोवेटिव आइडियाज के बारे में और चर्चा हुई है अमित आपकी? जी, मैं बता दूं आपको कि महाप्रबंधक का यही कहना है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर सुधार हो, बेहतरीन स्तर में सुधार होना चाहिए, छात्रों को किस प्रकार से, किस किस आइटम से पढ़ाया जाए। मैं आपको एक चीज बता दूं कि प्रदेश में कई टीचर्स ऐसे भी हैं कि प्रैक्टिकली
माध्यम से ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं, किस प्रकार से काखा का एबीसीडी का ज्ञान उनको नॉलेज कराया जाए, खेल खेल की भाषा में किस प्रकार सिखाया जाए, इस दिशा में भी कई संस्थाएं लगी हुई और शिक्षा विभाग उनको प्रोत्साहित भी कर रहा है। एक सवाल और महत्वपूर्ण होता है जब शिक्षा की बात होती है अम्बेश, और छत्तीसगढ़ में अगर शिक्षा के स्तर की बात होती है तो अगर हम बस्तर की बात कर लें, सुकमा की बात कर लें, जो नक्सलाइड एरियाज रहे हुए हैं हमारे, जहाँ पर लाल आतंक का खौफ हमने देखा है, वहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अपना जीवन अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं समस्या ज़रूर आती है, उन समस्याओं का सामना वहाँ पर शिक्षा विभाग कैसे करेगा और ये जो इनोवेटिव आइडिया है वहाँ पर कैसे लागू किया जाएगा या फिर वहाँ उसे अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा? बिल्कुल सही कहा सुनता है, अपने नक्सली क्षेत्र के लिए, सरकार के लिए और सब प्रशासनिक विभागों के लिए बहुत बड़ी ये यानी ये चुनौती है, क्योंकि दरअसल शिक्षा के क्षेत्र में नक्सली क्षेत्र की जो बात आपने की है तो वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ की आने वाली पीढ़ी शिक्षा ग्रहण करना चाहती है पर उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती है। दरअसल की बजाय यही रहती है कि जो प्रदेश का सरकारी अमला है उस क्षेत्र में जाना नहीं चाहता, दरअसल नक्सली घटनाओं की शंका भी रहती है और इसी वजह से जो वहाँ के लोग ट्रांसफर के लिए हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर सरकार के विभाग के विभिन्न अधिकारी वो से एरिया में अपना तबादला नहीं कराना चाहते, तो कहीं ना कहीं योजनाएं वहाँ पर भी दम तोड़ देती हैं। और आपने जैसा कहा है कि बस्तर क्षेत्र के लोग पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने, नक्सलाइट एरिया के लोग पढ़ना तो चाहते हैं पर उस क्षेत्र में उसे योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, उसकी वजह भी यही मानी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अम्बेश हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई पहल, एक अभिनव पहल यहाँ पर उनके द्वारा की जाएगी। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उसी प्रयास में एक और अभिनव पहल यहाँ पर की गई है, जहाँ पर 40 महापुरुषों की जीवनी को अब कॉमिक में उतारा जाएगा। जी हाँ, थोड़ा सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सत्य है, बच्चों को 40 महापुरुषों की जीवनी अब कॉमिक्स के माध्यम से पाठ्य पुस्तक में शामिल की जाएगी, जिसे वो पढ़ेंगे। और ये कहा जाता है कार्टून हो या फिर कॉमिक्स हो, जब इन्हें पढ़ा जाता है या देखा जाता है तो बेहतर तरीके से ये बच्चे के दिमाग में, दिल में अपनी एक छवि को छोड़ते हैं। एक नया प्रयास, एक अभिनव पहल यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से की जाएगी, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की तरफ से यहाँ की जा रही है एक ऐसा प्रयोग जिससे इन 40 महापुरुषों की जीवनी बच्चों के दिमाग में और मस्तिष्क में अच्छे से बैठ सके और बच्चे उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल सकें, अपने जीवन को कैसे वो बेहतर बना सकते हैं, अपने भविष्य को कैसे उज्ज्वल बना सकते हैं, इसकी पहल यहाँ पर की जा रही है। और किस तरह से शिक्षा के स्तर में जो है बढ़ोतरी हो सके, उसे और बेहतर बनाया जा सके, इसका एक प्रयास छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। तो न्यूज़ स्पेशल में आज हम बात कर रहे थे सिलेबस में कॉमिक्स, जहां पर 40 महापुरुषों की जीवनी को अब कॉमिक रूप में बदला जा रहा है, इस पर काम शुरू हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि अगले सत्र, जी हाँ, यानी कि शिक्षा सत्र 2021 में इसे कॉमिक रूप को जो है बच्चों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा और उसके बाद बच्चे 40 महापुरुषों की जीवनी को कॉमिक्स के रूप में पढ़ेंगे और उसके बाद उसे आत्मसात करेंगे। देखना दिलचस्प है कि इस प्रयोग से शिक्षा के स्तर में कितना परिवर्तन आता है, कितना बदलाव आता है। न्यूज़ स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।